तुम्हारे चेहरे पर परेशानी है, उलझन है, क्या बात है? नहीं डॉक्टर, ऐसी कोई बात नहीं। राधा, मुझे कई साल हो गए मरीजों का इलाज करते करते, अब मुझे मरीज के चेहरे से ये पता चलने लगा है कि वह किसी गहरी उलझन में है, और यही बात मैं तुम्हारे चेहरे पर देख रही हूँ। अपनी परेशानियों से पीछा छुड़ा राधा, वैसे तुम अब बहुत तेजी से रिकवर कर रही हो। थैंक यू डॉक्टर। क्या बात है राधा, अगर कोई उलझन है तो बताओ। नहीं माँ, बस यूं ही थोड़ा सर दर्द कर रहा है। ये सर दर्द है तो फिर डॉक्टर को क्यों नहीं बताया? मैं बुलाऊं डॉक्टर? नहीं नहीं बाबूजी, अब थोड़ा बेहतर फील कर रही हूँ। बेटा बात क्या है, किस बात को लेकर परेशान हो? हॉस्पिटल बिल्स की चिंता है? नहीं, मोहन मुंबई जा रहा है इसलिए नहीं, बल्कि मुंबई क्यों जा रहा है इसलिए परेशान। तुम जानती हो कि वो क्यों जा रहा है? हाँ माँ, वो पृथ्वी मामा से बदला लेने के लिए जा रहा है। लेकिन उसने कहा कि वो पैसों का हिसाब करने जा रहा है? नहीं बाबूजी, उसने झूठ कहा है आपसे। वो पृथ्वी मामा से बदला लेने के लिए ही जा रहा है। रामधन जी, जो सपने मैंने रामपुर में देखे थे, उन सारे सपनों को आपने मुंबई में साकार कर दिया। अब देखिए, मैं केवल दो ही चीजें हासिल करना चाहता हूँ, एक पैसा और दूसरी चीज ताकत, जिससे मैं लोगों को दबा सकूं और पैसों से वो सारी चीजें खरीद सकूं जिन्हें मैं हासिल करना चाहता हूं। रामधन जी, अभी अभी तो मैंने उड़ान भरी है, मुझे ऊंचा जाना है, ऊंचा, बहुत ऊंचा। जी ऊंचा उड़ने में कोई हरज नहीं, लेकिन ऊंचा उड़ने वालों को चौकन्ना रहना चाहिए, क्योंकि किधर से जाल बिछेगा और किधर से गोली चलेगी और किधर से तीर, ये राजनीति में ऊंचा उड़ने वालों के पर काटने के लिए भी लोग बैठे हैं। हाँ छोड़ो रामधन जी, आपके होते हुए कोई भी गोली, कोई भी तीर और कोई भी जाल मैं कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब देखिए ना, वो क्या बोलते उसको, मेडिकल, क्या शब्द है वो, मेडिकल इक्विपमेंट से मैंने 4 करोड़ बना लिए हैं, और वो इंडस्ट्रियल कॉन्ट्रैक्टर, क्या उसका नाम, कोई केशव ऐसा कुछ नाम है, उसे कॉन्ट्रैक्ट दिला दिया, अब वो भी खुश, मैं भी खुश। अब रामधन जी, मैं केवल इतना चाहता हूँ कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स जब भी खुलेंगे वो सारे उन आदमियों को मिलने चाहिए जो मेरे अपने आदमी, समझे ना? मिले, खुल रहे हैं आपके आदमियों के नाम पर। नमस्ते। रामधन जी से मैं माफी चाहूंगा, मिनिस्टर साहब और मैं पृथ्वी जी से कुछ अकेले में बातें करना चाहते हैं। अरे साहब, अकेले में क्या बात करनी है, जो भी कहना है रामधन जी के सामने कह सकते हैं। कुछ बातें ऐसी होती है कि दाया हाथ करे तो बाया हाथ को समझ में नहीं आता। आप बैठ के बातें करो, मैं चलता हूँ। कहिए साहब। धनराज, क्या बात है बुआ, राधा ठीक तो है ना? राधा तो ठीक है, लेकिन मोहन, मोहन, मोहन को क्या हुआ दीदी? मोहन अचानक मुंबई चला गया है। अचानक मुंबई क्यों चला गया? राधा को कैसे छोड़ गया? वो बहुत गुस्से में था, वो ये सोचता है कि राधा को इस हालत पे पहुंचाने वाला पृथ्वी है, पता नहीं मुंबई जाकर वो क्या करेगा। एमपी होने के बाद तो वो पागल हो गए, उनके सर पर ताकत का घमंड सवार हो गया है,
वो मोहन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। मोहन को वहां नहीं जाना चाहिए था। हाँ बुआ, मोहन को वहां नहीं जाना चाहिए था। अब क्या होगा, मोहन खतरे में पड़ सकता है। धनराज तुम एक काम करो, तुम अभी इसी वक्त मुंबई चले जाओ और मोहन को रोको। ठीक है माँ, बस यही एक रास्ता है, मैं अभी जाता हूँ। लेकिन राधा की देखभाल कौन करेगा? तुम उसकी चिंता मत करो, हम सब है यहाँ, और फिर जनार्दन भी है, तुम्हारे लौटने तक वो यहाँ रुकेंगे। चलो धनराज, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। ठीक है, चलो चलो। सब ठीक हो जाएगा, धनराज समझाएगा मोहन को, अब चिंता मत करो। जी, क्या बात है, क्या देख रहे हैं आप? मुझे मेरी समझ में नहीं आ रहा कि किसने कवर कैसे की जाए। पृथ्वी जी, जब आदमी अपने आप को ज्यादा होशियार समझता है ना, तो गलती भी करता है। राजनीति के कुछ नियम होते हैं, कुछ हदें होती हैं, जो आपने नहीं मानी। नतीजा है ये तस्वीर और ये हादसा, जो तुम्हारे करियर को पूरी तरह तबाह कर देगा। ये तस्वीर मेरे करियर को बर्बाद कर सकती है। मैं साबित करके रहूंगा कि ये मेरे खिलाफ की गई साजिश है। ये मेरे खिलाफ अपोजिशन वालों ने साजिश की है दुआरी। ये आपकी बेडरूम की तस्वीर है, जहाँ पे आपने रामकली को रेप किया, और इसे गलत साबित करना बहुत मुश्किल है। आप क्या समझते हैं कि मैं इस बात को मान लूं कि ये सब मैंने किया? देखिए, अगर आप चाहते हो कि मैं रिजाइन करूं या आप मुझे हटा देंगे, तो इससे क्या होगा पता है? हाँ, मैं गिर जाऊंगा, लेकिन आपकी गवर्नमेंट भी गिर जाएगी। मैं जनता के सामने जाके जनता से कहूंगा कि आप लोगों ने मुझे फंसाने की कोशिश की, आप सब लोग मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। हाँ, एक बात याद रखना, मैं वो आदमी हूँ, मैं मुंबई में दंगा फसाद खड़ा करूँ। नहीं पृथ्वी, नहीं, तुम इसके लिए बहुत लेट हो चुके हो, क्योंकि अब तक रामकली पुलिस स्टेशन पहुंच चुकी होगी, उसने तुम्हारे खिलाफ मामला दर्ज करा दिया होगा, और पुलिस कभी भी तुम्हें गिरफ्तार करने यहाँ आ सकती है, और ये फोटो पुलिस के पास भी है। क्या करेंगे हम? जेठ जी, मैंने आपको कहा था कि एक ना एक दिन गड़बड़ हो जाएगी, और हो गई। फिर तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या होगा अब? बचाव की सोचिए। अरे बाबू, वही सोच रहा हूँ मैं पुलिस के हाथों नहीं लगना चाहता, मुझे अपनी जिंदगी जेल में नहीं गुजारनी। आपके पास और कोई चारा भी तो नहीं है, सबने मिलकर आपको घेर लिया है, और वो धंधे वाली रामकली जिसे आप कीड़ा मकोड़ा समझते थे, देख लिया ना किस तरह फंसवाया उसने आपको। तुम एक काम करो, तुम अपना सामान बांधो, हम लोग निकल लेते हैं यहाँ से। लेकिन जाएंगे कहाँ? अरे कहीं पे भी जाएंगे, और कहाँ जाएंगे इसके बारे में मुझे वक्त बर्बाद नहीं करना है। मैं जितना कह रहा हूँ उतना करो। मैं नहीं आऊंगी आपके साथ, ये आपकी मुसीबत है, आप निपटाइए। वाह दुलारी वाह, तुम्हें तो मेरे साथ चलना ही होगा, क्योंकि तुम्हारी वजह से तो मैं पुलिस के हाथों बच सकता हूँ, तुम तो मेरी ढाल। मैं नहीं चलूंगी आपके साथ। तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा, वरना इसकी एक गोली तुम्हारे लिए काफी। नहीं नहीं जी जी, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, ऐसा नहीं करूंगा अगर तुम मेरे साथ चलोगी, समझे? चलो, अपने जेवर पैसे सामान जो भी वो अपने साथ ले लो, चलो। दादी, आप यहाँ? क्या बात है, मेरा इंतजार कर रहे थे? क्या बात है दादी, बहुत परेशान लग रहे हैं। जब बेटी की हरकतें ऐसी हों तो बाप परेशान ही होता है।
बात है रानी? कहाँ गई थी तुम? हम लोग फिल्म देखने गए थे डैडी। अब झूठ बोलना भी शुरू कर दिया तुमने। तुम पुलिस स्टेशन गई। इंस्पेक्टर ने मुझे सब बता दिया है। संदीप लाल आज तक पुलिस स्टेशन नहीं गया, उसकी बेटी पुलिस स्टेशन होकर आती है। इस घटिया गिरी हुई औरत गंगा के साथ। डैडी, गंगा ने मुझे धमकी दी, मुझ पर इल्जाम लगाया, इसलिए मजबूरन मुझे जाना पड़ा। बाप का नाम खूब रोशन कर रही है तो। शाबाश। एक्चुअली सर, इसमें सोनल की कोई गलती नहीं है। वो गंगा ने हरकत ही ऐसी की है कि पुलिस स्टेशन। मैं अपनी बेटी से बात कर रहा हूँ, तुम बीच में मत पड़ो। जो कुछ हुआ है तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम इन लोगों से रिश्ता करने जा रही हो? इनसे, जिसकी बीवी पैसों के खातों से बेच रही है? जानती हो उसका बाप कौन है? एक शराबी, जिसका रिश्ता एक ठंडे बेटी ऐसे खानदान में रिश्ता करना चाह रही है। अपने बाप की बच्चों की मेहनत से बनाई इज्जत को मिट्टी में मिलाने जा रही है। आज पुलिस स्टेशन के लिए कल कोर्ट जाएगी, बाप की नाक में कीचड़ उठ जाएगी। कहां हम तो कहां ये है? हमेशा तुम्हारी हर बात मानता रहा हूं, लेकिन तुम्हें अब यह फैसला करना होगा कि तुम्हें मेरे साथ रिश्ता रखना है। इससे सॉरी डैडी, मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। पूरा बरस की वाहियात फैमिली के साथ रिश्ता जुड़ने की मैं गलती करने जा रही थी। मुझे माफ कर दीजिए, मैं आप ही के साथ। सब क्या है? तुम्हारे पिताजी मुझे कुछ भी कहे जा रहे हैं। मैं समझता था तुमने रोकोगे, लेकिन तुम भी। पूरब, डैडी ने जो कुछ भी कहा बहुत कम कहा, मगर सच कहा है। उस 2% की औरत गंगा ने तुम्हारा सौदा मेरे साथ किया। उसने मुझसे पैसे मांगे, जेवर मांगे, और तो और वो मेरे घर पर आ गई। मुझे उसने धमकी दी है, मेरे करने की कोशिश की है। तुम और तुम्हारे फैमिली की बात ही क्या है जो हमारी बराबरी कर सको? सोनल तुम अच्छी तरह जानती हो सारा कसूर गंगा का, लेकिन उसके लिए तुम मेरी पूरी फैमिली को क्यों ब्लेम कर रही हो? पूरा, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। मैं अपने डैडी की इज्जत मिट्टी में नहीं मिला सकती। मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया? अपनी बीवी को छोड़ दिया, अपना घर बार सब कुछ छोड़ दिया, तुम कहती मुझे शादी नहीं कर सकती? चिल्ला मत पूरब, तुम शायद ये बात भूल रहे हो कि तुम मेरे घर में हो। तो क्या हुआ? तो क्या हुआ अगर मैं तुम्हारे घर में खड़ा हूं? इसका मतलब तुमने मुझे कुछ भी कहोगे? मुझसे झूठ का मजाक करती है तुम? गंगा को गिरी हुई कहती, मेरे पिता को गिरा हुआ कहती। अरे सबसे ज्यादा गिरी हुई तुम हो। शराब जिंदगी भर सारी उम्र जेल में छोड़ोगे, समझे? पूरब, मैंने ये सब कुछ सिर्फ तुमसे बदला लेने के लिए किया था। नफरत करते हो ना मोहन से? बहुत परेशान किया है तुमने उसे, यहाँ तक कि तुमने उसे उसकी नौकरी से भी निकलवा दिया। मैंने तुमसे कभी प्यार नहीं किया, मैं तो सिर्फ मोहन से ही प्यार करती थी, और आज उसी से प्यार करती हूँ। जो उसका दुश्मन है वही मेरा भी दुश्मन है, और जाओ वहीं जाओ जहां तुम्हारी औकात है। तुम्हारी जीवन साथी सिर्फ
गंगा जैसी औरत ही बन सकती है। तुम जा सकते हो। इस बेइज्जती का बदला मैं लेके आऊंगा। Get lost. दुलारी इतनी देर क्यों लगा रही हो? अब सारा खजाना इकट्ठा कर रही हो क्या? चलो पुलिस आएगी तो अपना निकलना मुश्किल हो जाएगा। आ रही हूँ। चलो जल्दी भाई। जितना था उतना ले आई हूँ मैं। अच्छा अच्छा चलो, पुलिस आएगी तो मुश्किल हो जाएगी, समझा करो तुम। इतनी जल्दी क्या पृथ्वी जी, हमारे साथ चलिए। क्यों? हमारे पास आपकी गिरफ्तारी का वारंट है और इस क्यों का जवाब आपको पुलिस स्टेशन में मिल जाए। जानते हो तुम किसे पकड़ने आए, किसे बात कर रहे हो तुम? एक पॉलिटिशियन से, एक एमपी से, और एमपी कुछ भी कर सकता है। देखिए आप जो चाहे करें, हम क्या कर सकते हैं हम आपको बता दें। एक औरत ने आपके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है कि उसका बलात्कार हुआ, और डॉक्टर की रिपोर्ट भी यही कहती है कि उसका बलात्कार हुआ। इंस्पेक्टर साहब ये सरासर झूठ है। देखिए भाई, मैं पब्लिक सर्वेंट हूं और मैं पब्लिक के साथ ऐसे कैसे कर सकता हूं? पकड़े इसे, इस वारंट को पकड़े। लेकिन एक बात याद रखिए, अगर आपने मुझे गिरफ्तार किया ना तो सारी जनता रास्ते पे उतर आएगी। देखिए आप जो चाहे हो, पुलिस वाले हर बात के लिए तैयार रहते हैं। आपके लिए अच्छा यही होगा कि आप मेरे साथ चलें, वरना मुझे जबरदस्ती करनी पड़ेगी। हमें अपनी ड्यूटी निभानी। ठीक है, आप अपनी ड्यूटी निभाइए और मुझे भी अपनी ड्यूटी निभानी।